मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ ऑटो कर रहे हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स, मेरा नाम है मेहरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेहरू। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक बॉट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसका नाम है एपिक ट्रैफिक बॉट। एपिक ट्रैफिक बॉट जो है एक ऐसा बॉट है जो कि आपको परचेज़ करना होगा, लेकिन इसके फीचर ऐसे हैं कि आप देख के हैरान हो जाओगे और आप इसको जो है परचेज़ करने पे मजबूर हो जाओगे। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको एडेक्स का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, कुछ हमने वर्क किया था जो कि इससे रिस्पॉन्स मिला है। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को आपको तफसील से देखना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये बॉट है और बॉट में रिस्क की चांस होता है, तो कुछ चीज़ें अगर आप मैनेज में और लेवल से लेके चलते हैं तो फिर आपको ज़रूर पेमेंट मिलेगी, लेकिन आपको इस चीज़ से समझना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये मेरे सामने एक रिज़ल्ट ओपन होके आ चुका है, लास्ट 7 डे पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। रिस्पॉन्स कल 0 रिस्पॉन्स है। ये हमारे एक एडेक्स का अकाउंट है। अब एडेक्स के अकाउंट पर 91,600 इम्प्रेशन और $1,570 हमारी अर्निंग हुई है। अगर यहाँ पे आए तो क्लिक सिर्फ 2 हुए हैं, एक जर्मनी का, 2 यूएसए के और 4 इंडिया के। टोटल जो क्लिक हुए हैं वो 7 हैं और जो हमने किए हैं वो 3 क्लिक हैं। अब यहाँ पे आऊँ तो एक ही दिन का ये इम्प्रेशन है, हमने इम्प्रेशन दिए थे 29 तारीख को, 2 दिन पहले। अब उसके बाद ये $1,570 रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हमें ECPM जो मिला है वो 17.6 सेंट का। अब आ जाते हैं अनफील्ड में। नीचे अनफील्ड दोस्तों 91,000 जो ट्रैफिक एक्सचेंज हुई है हमारी, उसमें 2,000 अनफील्ड गए हैं। अब 2,000 अनफील्ड कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब दोस्तों ये सब वर्क कैसे किया है, कितनी ट्रैफिक हमने सोशल से दी है, कितनी बॉट से दी है, ये सब कुछ इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। आपने इस वीडियो को तफसील से देखना है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, सबसे पहले आपको मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट में चल के आपको नेटवर्क दिखा देता हूँ। कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि यार नेटवर्क कौन सा है, आपको इतना अच्छा ECPM क्यों मिला है, तो ये दोस्तों जस्ट बैट के नाम से जो है एक नेटवर्क है इसका जो है। अब दोस्तों एडेक्स के बड़े फ़ायदे हैं, ये अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है तो कोई मतलब नहीं, दूसरे एडसेंस का एडेक्स का अप्रूवल ले लिया है, लेकिन एडसेंस ओके है ना, ये बड़ी सहूलत है एडेक्स की। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ लगी होगी ना। अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल मेहरू, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको एडसेंस लोडिंग में इंटरेस्ट है तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर आके देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप मैनुअली सर्विस करवा लेना चाहते हैं तो मैं आके आपके कंप्यूटर पर भी सेटिंग कर दूँगा, अगर आपको मतलब मुश्किल हो गया तो आप चार्जेस पे करके कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने इस टॉपिक की जानेब। दोस्तों ये जो बॉट है इसमें जो है एडसेंस लोडिंग ऑटोमेटिक वर्क करेगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे ख़ास है कि कुकीज़ जनरेट करेगा। जी हाँ दोस्तों, कुकीज़ जनरेट करने से आपकी जो है CPC अच्छी मिलती है और आपका अकाउंट ना क्लोज होने के चांस बिल्कुल ही लो हो जाते हैं। क्योंकि जो आप नॉर्मल IP एड्रेस लगा के डायरेक्ट गूगल से पेज व्यू करते हैं तो उसमें ये है कि वो आपका ना कोई बैकअप नहीं गूगल को नज़र आ रहा होता कि आपने एक IP लगाई है। आप फेक विजिटर में आसानी से वो ट्रैक करके लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन जब आपकी कुकीज़ हो ना तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरा ये ब्राउज़र है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री में, तो मेरी जो हिस्ट्री है ना ये बड़ी ही टॉप क्लास है कि गूगल मुझे एक ऑथेंटिक पर्सन समझता है कि यार ये इसकी हिस्ट्री है और ये बंदा ओरिजिनल है। लेकिन अगर एक ब्राउज़र जिसमें कोई हिस्ट्री ही नहीं है तो वो उसको जो है कोई वैल्यू नहीं देते, वो कहते हैं कि यार ये फेक ही था। क्योंकि VPNs, उसके बाद जो है प्रॉक्सीज, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज, रोटेट प्रॉक्सीज, ये तो बहुत ज़्यादा और मिलियंस में आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इस वजह से गूगल जो है अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है कुकीज़ जनरेट। के कुकीज़ हो तो आपको मुश्किल है कि आपका अकाउंट क्लोज हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल पेज करेगा। उसके बाद अगर आपको एडेक्स लोडिंग करनी है तो ये ऑटोमेटिक इम्प्रेशन भी देगा। उसके बाद ऑटो प्रॉक्सी चेंज करेगा, आप चाहें तो ट्रैफिक भी सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने पेज इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर दोस्तों इसमें अवेलेबल हैं। अब यह दोस्तों आपको ये तो समझ लगी होगी ना ये बॉट क्या है और आपने इसको कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं आपको, सबसे पहले इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये इनकी जो है वेबसाइट है एपिक ट्रैफिक बॉट के नाम से। आप यहाँ से अगर दोस्तों ये बाय करेंगे तो आपको ये मिलेगा दोस्तों $49 का, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप हाफ कीमत पर मुझसे बाय कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ लगी है ना। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, मुझसे बाय करना है तो मेरा फ़ोन नंबर मौजूद होगा। अब बाय करने के बाद जो आपके सामने ये एक zip फाइल होगी इस तरह की, इसको आपने एग्जैक्ट फाइल पे क्लिक करना है। एग्जैक्ट फाइल पे मैंने इसको किया हुआ है और ये फाइल्स मेरे सामने बन के आ चुकी है।
उसके बाद दोस्तों मैं ऑटो क्लिक भी आपको करके दिखाता हूँ कि ऑटो क्लिक कैसे करेगा। हम इसको जी खोल लेते हैं, ये हमारा बॉट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद ये इसका फाइल्स हैं, ये जो सारी फाइल्स हैं ना, आपने इन फाइल्स को कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। ये जो बॉट वर्क कर रहा है इन्हीं फाइल्स के थ्रू ही कर रहा है। इसमें देखें ऐप पब्लिश क्रोम की ये जो फाइल्स बनती हैं, उसके बाद जो है डेटा मोड प्रोफाइल्स, और यहाँ पे प्रोफाइल्स में आए तो ये बहुत ज़्यादा डेटा बना हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, बस आपने आके यहाँ पे एपिक ट्रैफिक बॉट पे क्लिक करना है और ये वेरीफाइंग लाइसेंस पे क्लिक कर देगा। अब लाइसेंस के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बॉट की क्या सेटिंग्स है जो आपने यूज़ करनी है। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये एक फाइल्स है 500 रेफर्स। ये रेफर्स का मतलब ये है कि आप सोर्स क्या देना चाहते हैं, आपके पास जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है। ऑर्गेनिक आ रही है, फेसबुक से आ रही है, अमेज़ोन से आ रही है, चाहे कोई और जो है इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफार्म हो। तो मेरी नज़र में जो बेस्ट प्लेटफार्म है वो है ये तीन, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और रेफर में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। रेफर में आने के बाद ये पेस्ट हो चुके हैं, अब मैंने इसको ऑन कर देना है। ऑन करने का क्या तरीका कार है कि ये सफ़ेद हो चुका है, पहले ये ऑफ है ये ऑन है, थोड़ा सा रंग का डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ तो दोस्तों आपको समझ लगी होगी। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, हमने वेबसाइट का लिंक देना है जिस वेबसाइट पे हमने ऑडियंस लेके जानी है। तो ये वेबसाइट है दोस्तों a2zflasher.com, ये हमारी वेबसाइट है जिस पे हम ट्रैफिक भेजेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप URL एंटर करें अपनी वेबसाइट का। अब ये हमने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे URLs ऐड कर दिया है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारी ये चीज़ समझ लग चुकी है कि हमने लिंक ऐड कर दिया है, हमने उसको सोर्स भी दे दिया है कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्या सोर्स से जो है सर्च हो के आनी चाहिए या क्या होनी चाहिए। अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस का जो दूसरा ऑप्शन है ये, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसी डिवाइस जो है करना चाहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं ऐड डिवाइस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है कि आप विंडोज़ की क्रिएट कर सकते हैं, जो मतलब ब्राउज़र्स हैं, लिनक्स के कर सकते हैं, मैक के कर सकते हैं, माइक्रोफोन के कर सकते हैं, मोबाइल्स के कर सकते हैं, एंड्रॉयड के कर सकते हैं, आईफोन्स, आईपैड्स, मुख्तलिफ जो एंड्रॉयड टैबलेट सबके हैं। अब मैं जो रेकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ करें, विंडोज़ पे ना CPC अच्छी मिलती है। यहाँ पे कुछ करके मैंने 10 सेलेक्ट कर लिए हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं। जैसे 10 पे करेंगे तो आपको बहुत 10 प्रोफाइल जनरेट हो जाएंगी। अब उनमें से 5 लिनक्स की करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आपने ट्रैफिक देनी है ना, तो जो 90% होती है ना वो विंडोज़ से ही ट्रैफिक जो है आए तो बेस्ट होता है। आप चाहें तो आपकी वेबसाइट पे अगर मोबाइल विजिटर है तो आप मोबाइल सेलेक्ट करें, लेकिन जो CPC है ना वो कंप्यूटर पे अच्छी मिलती है मोबाइल की निस्बत। ये एक नॉर्मल गूगल की पॉलिसी है कि वो उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अभी ये तो आपको कन्फर्म हो चुका होगा, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी मखसूस किए हैं क्योंकि मैं अभी आपको कुकीज़ बना के पहले दिखाता हूँ कि आपने कुकीज़ कैसे बनानी है। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने प्रॉक्सीज कैसे लगानी है। अब एक वेबसाइट है bproxy.com, अगर आपको सस्ती प्रॉक्सीज चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। TISOX और DHVSOX की तरह ही HTTP की प्रॉक्सीज हैं, आप चाहें तो ये बाय कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से प्रॉक्सीज निकालते हैं, 50 प्रॉक्सी पे मैं क्लिक करता हूँ और कॉपी ऑल प्रॉक्सीज, ये कॉपीज हो चुके हैं हमारी प्रॉक्सीज। अब हम आ जाते हैं बॉट में। बॉट पे आने के बाद ये प्रॉक्सी सेक्शन है, मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्लैश खत्म कर दीजिए। 50 प्रॉक्सीज मैंने बॉट को दे दी है और यहाँ पे ऑप्शन है यूज़ प्रॉक्सीज, यूज़ प्रॉक्सी को आपने इनेबल कर देना है। और अब ये जो है हमारी यही प्रॉक्सीज वर्क करेगा, क्योंकि इसमें से जो है मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, यूनाइटेड किंगडम और कुछ मिक्स कंट्रीज़ की दी हुई है। अब ये चीज़ तो आपको समझ लगी होगी दोस्तों कि ये क्या है। अब उसके बाद सबसे पहले कुकीज़ जनरेट करनी है हमने। यहाँ पे है ऑप्शन टास्क। अब टास्क क्या चीज़ है? टास्क दोस्तों ये चीज़ है कि आप एक टाइम में कितने जो है टैब ओपन कराना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जी 4 टैब्स ओपन कर लेता हूँ। 4 टैब ओपन करने के बाद जो है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन है विजिबल मोड। विजिबल मोड का दोस्तों मतलब ये है कि आपके जो क्रोम्स हैं वो आपके सामने ओपन हो या बैकग्राउंड में वर्क कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड में वर्क का ये है कि ये सॉफ्टवेयर आपको ना काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शन देता है कि आप इसको अगर ऑफ़ कर देते हैं तो आपके बैकग्राउंड में ना ये सॉफ्टवेयर वर्क करता रहेगा, आपको मतलब आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, किसी को महसूस नहीं होगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ क्योंकि मैंने आपको रिस्पॉन्स दिखाना है कि रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा।
अब उसके बाद यह है डिसेबल इमेजेस। अब डिसेबल इमेजेस का ऑप्शन दोस्तों बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तब अच्छा है जब आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हो। रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ का ये है कि वो जीबी के हिसाब से होती है, तो जीबी के हिसाब से जब प्रॉक्सी होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी अगर पिक्चर्स हैं तो लोड होने में आपकी एमबी ज़ाया होती है। तो ये ऑप्शन उन्होंने इसलिए रखा है कि आपकी प्रॉक्सी ज़ाया ना हो। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर ये होगा कि पिक्चर्स ओपन नहीं होंगी, सिर्फ एड्स ओपन हो रहे होंगे और आपकी वेबसाइट के टेक्स्ट ओपन हो रहे होंगे, तो आपकी एमबी ज़ाया नहीं होगी। मेन मकसद ये है। अब इसको ऑफ़ कर देते हैं, ये दोनों हमारे जो है कोई काम के नहीं है, हम दोनों को ऑफ़ कर देते हैं। अब ये कुछ खास ऑप्शंस है, आप चाहें तो कीवर्ड सर्च करा सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेड है, लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आप न्यू हैं तो आप सिर्फ इनको यूज़ करें। ये कुछ ज़्यादा ऑप्शन है, चार टास्क दे दिए मैंने। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड के आप कितनी देर टैब ओपन कराना चाहते हैं। अब टैब ओपन के बाद जो है यहाँ पे ये मिली सेकेंड का मतलब ये है कि 1000 मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड बनता है। अगर यहाँ पे 1000 है तो मेरा टैब सिर्फ एक सेकेंड ओपन होगा फिर बंद कर देगा। मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 10 सेकेंड तो ओपन हो, क्योंकि मैंने ना कुकीज़ जनरेट करनी है। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी 21000, मतलब ये कुकीज़ जनरेट होना थोड़ा थोड़ा पेज वर्क हो जाए। अब बल्कि इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ इससे भी, ये 15 सेकेंड तक ये ओपन रहेगा, 15000 हो गया। अब उसके बाद यह है कि मैक्स विजिटर्स कितने आने चाहिए, क्या ये 100 पेज ओपन करें क्या करें, तो ये आप पे डिपेंडेड है कि आप जितना टास्क लगा के छोड़ दोगे ये ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। अब हमारा जो मेन मकसद था वो भी कुकीज़ जनरेटर था, तो मैं इस लिंक को यहाँ से हटा देता हूँ और आपको कुकीज़ जनरेट करके दिखाता हूँ कि कुकीज़ जनरेट करके आप इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आके मैं सर्च करता हूँ बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन यूएसए, जैसे आप मैंने सर्च किया तो ये उसने रिज़ल्ट दे दिया है। अब यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, और चाहें तो आप इन एक वेबसाइट को भी विज़िट करा सकते हैं, लेकिन मैं लिंक कर रहा हूँ। उससे ये होगा कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि ये कीवर्ड जब सर्च होगा ना तो हमारी बैकअप बन जाएगा, हमारे जो ब्राउज़र हैं कि हमारा कीवर्ड जब सर्च होगा ना इंश्योरेंस का, हमारा जब कीवर्ड सर्च होगा तो वो उनको लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें जो ऐड शो करेगा वो इंश्योरेंस के होंगे। अब ये चीज़ तो आपके सामने शो हो चुकी है ना। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो ये इसने ओपन टैब करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने कुछ पहले की हुई थी ये कुकीज़, ये देखें अब ये ओपन हो रहे हैं, ये देखें ये जिस तरह की प्रॉक्सीज थी ना उसी तरह के ये टैब ओपन कर रहा है, और ये कीवर्ड क्या सर्च कर रहा है, बेस्ट इंश्योरेंस। ये अब ये जब कीवर्ड दोस्तों सर्च हो रहा है और सब में हो रहा है, ये देखें अब ये सब में जब हो रहा है तो ये एक तरह का मेरा सिर्फ बैकअप बन रहा है, मैं ये वर्क कोई नहीं कर रहा हूँ। ये जब कुकीज़ का मेरा बैकअप बन जाएगा ना तो मैं फिर अपनी वेबसाइट जो है ओपन कराऊँगा, जब मैं अपनी वेबसाइट ओपन कराऊँगा तो उनको लगेगा कि ये विजिटर असली है, तो वो ना मेरी एक वैल्यूएबल आईपी भले ही चेंज होगी लेकिन उस जो ब्राउज़र है वहाँ पे एक बैकअप मौजूद होगा, तो मेरा अकाउंट ज़्यादा जो है वो सिक्योर होगा। तो ये देख सकते हैं ये रिज़ल्ट है आपके सामने, ये देखें मुख्तलिफ सर्च कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें से कंपनीज़ ओपन करके बैकअप भी बना सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, फिलहाल मैं आपको जो है नॉर्मल बताता हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ना हो, आपको आइडिया हो जाए। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे तो मैं दूसरी वीडियोज़ भी इसके रिलेटेड बना दूंगा। तो ये चीज़ तो दोस्तों आपको अभी आइडिया हो गया होगा ना कि आपने कुकीज़ का बैकअप कैसे बनाना है। तो ये कुकीज़ का बैकअप जब आपका बन जाएगा ना तो फिर इसी कंप्यूटर के इसी टैब में जो है मैं अपनी वेबसाइट ओपन कराऊंगा, तो मेरा अकाउंट फिर सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अब आपको जो है कुछ समझ आ रही होगी। तो ये ना चीज़ें बड़ी फोकस करती हैं, आपको इसी लेवल से लेके चलना होगा तब भी हमारा अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको बताऊं कि यहाँ पे ये बता रहा है कि 10 टास्क उसने कंप्लीट कर दिए हैं, जो प्रॉक्सी नहीं वर्क करती वो उसको ओपन ही नहीं करता। ये ब्राउज़र के कुछ जो है फीचर्स हैं, ये बड़े अच्छे फीचर्स हैं। अब जो है आपको आइडिया तो हो गया होगा ना कि ये क्या क्या है। अब देखिए न्यू टैब में सब कुछ ओपन कर रहा है। अब मैं फ़िलहाल इसको जो है क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ कि आपने अब वर्क कैसे करना है। मैं यहाँ पे स्टॉप टास्क पे क्लिक करता हूँ। अब स्टॉप टास्क पे जैसे क्लिक किया ये सारे टैब्स ही ऑफ़ कर देगा। अब ये हमारा जो मकसद था ये कुकीज़ का, तो यहाँ पर कुकीज़ बढ़ चुके हैं, पहले 400 कुछ था, ये जो मेरी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर ये फाइल्स बन चुकी हैं। इसको मैं कुकीज़ का नाम दूंगा, ये जो है बैकअप है, ये बड़ा फ़ायदेमंद है, इससे जो है मेरा अकाउंट सिक्योर रहेगा। अब नॉर्मल जो आप वर्क करते हैं गो लॉगिन में करते हैं, फिर चाहे एंटी डिटेक्ट कोई भी ब्राउज़र है, बिट ब्राउज़र हो, डॉल्फिन एंटी हो, तो वहाँ पे बैकअप का जो है ऑप्शन बिल्कुल कम होता है क्योंकि आप प्रोफाइल डिलीट कर देते होंगे, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, आप चाहें तो हज़ारों प्रोफाइल्स भी एक टाइम में सेव कर सकते हैं।
तो ये कुछ चीज़ थी। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की जाने और इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं और उसके बाद जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑटो कैसे वर्क करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जी हम URL में आके उस URL को हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपना URL पेस्ट कर देते हैं। हमारी जो वेबसाइट है ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद दोस्तों वही प्रॉक्सीज हैं जो कि लगी हुई हैं। अब ये वर्क ऑटो कैसे करता है, अब ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। ये सिर्फ अब हमने टैब नहीं ओपन कराने, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्क्रिप्ट में। जैसे मैंने स्क्रिप्टिंग में आया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। इम्पोर्ट के बाद जो है ये मैंने एक फाइल रखी हुई है, कहाँ की फाइल भैया, डाउनलोड्स ऑटो क्लिक्स, इसको जो है मैं इन करता हूँ। ऑटो क्लिक का आ चुका है। अब यहाँ पे ये लोड स्क्रिप्ट, जैसे मैंने लोड स्क्रिप्ट किया तो ये पूरी स्क्रिप्ट आके आ चुकी है। इसमें स्क्रोल कर रहा है, क्लिक कर रहा है, ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं, सर्च कर रहा है। यहाँ पे आऊँ सबसे पहले ये बता रहा है कि आपका जो है ना ये टास्क जो है सबसे पहले 30 से 40 सेकंड वेट करेगा। मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, 15,000 कर देता हूँ, क्योंकि आपको आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 15 से मैं 20 करता हूँ। अब 20,000 के बाद जो है दोस्तों ये क्या करेगा, ये स्क्रोल करेगा 50 टाइम, मतलब टैब्स को ऊपर नीचे करेगा, ताकि जैसे आप हम मैन्युअली करते हैं ना ये ऑटो करेगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, स्क्रोल अप करेगा, फिर ऊपर लेके जाएगा पेज को। ये भी उसी तरीके से जो है अमाउंट दी हुई है, ये पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई है। आप चाहें तो स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइट, बस आपने लिंक ऐड करना है, ये वर्क शुरू कर देगा। उसके बाद रैंडम स्क्रोल का ऑप्शन है, रैंडम करेगा, फिर वेट करेगा, दूसरे टैब पर जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये वर्क करती है या नहीं करती। मैंने लिंक ऐड कर दिया ना यहाँ पे, अब मेरी साइट का लिंक ऐड किया, सबसे पहले मैंने कुकीज़ जनरेट की हैं। अब मैं स्टार्ट पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो अब यहाँ पे ये कुकीज़ भी पुरानी दिखाता हूँ आपको, जो कुकीज़ हमने सर्च कराई हैं वो भी होंगी और हमारी साइट भी ओपन होगी। तो ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है, ये देखें। अब इसमें दोस्तों एक ये फीचर है कि टैब ना थोड़े इधर उधर साइड पर आ जाते हैं, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर कुकीज़ आऊँ तो ये देखें, ये पहले जो मैंने कुकीज़ बनाई है ना, ये कुकीज़ वहाँ पे शो करा रहा है कि भाई विजिटर ओरिजिनल है। देखें यहाँ पे एड्स भी शो हो चुका है। अब आ जाते हैं दूसरे टैब्स पे। अब हर टैब में ये ऐसा नहीं, दूसरे टैब्स में सही कर रहा है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे था लेकिन यहाँ पे सही हो रहा है। तो ये देखें वर्किंग कर रहा है, एड शो हो रहे हैं, वर्किंग कर रहा है, एड शो हो रहे हैं। लेकिन आपको दिखाऊँ अभी ये ऑटो भी वर्क करेगा। अब मैं ना अपने माउस को कर लेता हूँ साइड पे, ये देखें अब ये खुद ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, मेरा माउस नीचे है। अब सिर्फ ये इसी में नहीं, जो दूसरे टैब्स हैं जब उसका भी टाइम कंप्लीट होगा तो ये सब में ऑटो वर्क करेगा। तो ये जो दोस्तों स्क्रिप्ट है ये उसी का कमाल है, ये स्क्रिप्ट वर्क कर रही है। ये देखें अब दूसरा इस पर भी वर्क कर रही है। अब ये देखें, अब दोस्तों ये तो आपको लगा होगा कि मेरा माउस नीचे, अब आप कहें कि ये मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये स्क्रिप्ट का जो स्क्रोल है ना, जो कमांड दी हुआ है ना, ये उसी का सारा कमाल है कि ये एड्स ऊपर नीचे। अब इसी तरीके से दोस्तों आप अपनी मर्जी से भी इसमें टाइमिंग ऐड कर सकते हैं, जो आप उसको टाइम देंगे उसी टाइम से जो है स्क्रोल करेगा, स्क्रोल अप करेगा, स्क्रोल डाउन करेगा। आप रैंडम पेज क्लिक करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, हालांकि इसमें एड्स क्लिक का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो दोस्तों ये फीचर आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि इसके क्या फीचर है, ये कैसे वर्क करता है। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप लोडिंग कर रहे हैं और सिर्फ इस बॉट से आप सोचते हैं तो दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको कुछ खुद वर्क करना होगा, कुछ बॉट का सहारा लें, तभी आपका अकाउंट सेफ रहेगा, नहीं तो ये अकाउंट क्लोज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी बॉट हो, गूगल का सिस्टम बड़ा वो है, फास्ट है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन इससे अच्छा रिस्पांस मिलता भी है, आप मिक्सअप करें, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो साथ ये बॉट यूज़ करते रहें तो आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ये बॉट के कुछ फीचर्स हैं। अभी यहाँ पे दूसरे ओपन टैब्स भी करेगा और क्लिक करेगा, वो सब इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। अब ये देखें इसने दूसरा टैब्स भी ओपन कर लिया है, मतलब इसने खुद क्लिक किया है, क्योंकि हमने उसको कमांड दी हुई ना कि दूसरे टैब पर भी जाए। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो ये इस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स देता है। तो ये बॉट के फीचर, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये बता रहे हैं कि ये सक्सेसफुली जो है कमांड इसकी वर्क कर रही है, 1 में 2 में 3 जो हमारी मतलब ब्राउज़र्स हैं, ये ब्राउज़र हैं उसकी बता रहे हैं ना, कि जो एक टाइम में 4 ब्राउज़र ओपन है उन्हीं की बता रहा है कि उनमें जो है हमारी कमांड वर्क कर रही है। ये बता रहे हैं कि इतना वर्क हो चुका है,
ये देखें, मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ ऑटो कर रहे हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आके कुकीज़ का भी आप बैकअप चेक कर सकते हैं, सबकी कुकीज़ जनरेट हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये ज़्यादा सिक्योर है दूसरे की निस्बत। ये देखें बेस्ट इंश्योरेंस, ये कुकीज़ जब बन जाएंगी ना तो आपका सिक्योर होने के कुछ ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुकीज़ दोस्तों जो है आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा ना कि ये कैसे वर्क करता है। मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप के बाद ये पेजेस बंद कर देगा, अपनी मर्ज़ी से ये वर्क वैसे करता है। अब उसके बाद दोस्तों ये जो बैकअप है, अगर आपको लगता है अब यहाँ पे उन्हें 500 से ज़्यादा हो गया होगा, 600 कुछ हो गया है, तो अगर आप एक न्यू साइट पे वर्क कर रहे हैं, कुकीज़ जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बार एक ही कुकीज़ से करेंगे तो भी रिस्क हो सकता है। वो आपकी स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाहें वो आप पे डिपेंडेड है। अब इसको जो है ये तो समझ लगी होगी, आप अगर इसको डिलीट करें तो ये फाइल सारी डिलीट हो जाएंगी और वो जो प्रोफाइल्स हैं हमारी वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये जब डिलीट हो जाएंगी तो जो न्यू टैब्स ओपन होंगे ना तो उसमें कुकीज़ वगैरह ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से भी आके आपने रिमूव पे क्लिक करना है और ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू डिवाइस जनरेट हो जाएंगी। तो ये दोस्तों बॉट के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से अनलिमिटेड यूज़र एजेंट, अनलिमिटेड प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी और ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जीमेल लॉगिन रख सकते हैं, वो इनकी ऑफिशियल साइट्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज व्यू, ऑटोमेटिक सोशल मीडिया, मास रजिस्टर अकाउंट्स, सेल ट्रैफिक, उसके बाद जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर के जो है काफ़ी सारे फीचर्स हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की जो है ये स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में आकर ना यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप सेव कर सकते हैं, सेव स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव कर देगा। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर था जो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं लेकिन हम इसको एक तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बॉट्स है तो सिर्फ बॉट्स से नहीं काम चलेगा, अलबत्त आपके पास टीम है या आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं और आप चार कंप्यूटर को वर्क करना चाहते हैं तो फिर ये आपको बॉट जो है फ़ायदा देगा। तो दोस्तों इसके बाद जो है मैंने और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पर आके मज़ीद और वीडियो देखें, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी तरह का मसला हो तो कमेंट कीजिए, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक फ्री है।